dear students now we are discussing organization and coordination a company's emergency response plan should clearly identify the different personnel and groups that respond to the various types of emergencies and in each case who is in charge emergency situation तो कौन से लोग कौन से ग्रुप ऑफ पीपल उसके इंचार्ज हैं जो सिचुएशन को टैकल करेंगे और कौन सा एमरजेंसी कोऑर्डिनेटर होगा जो सारी सिचुएशन को हैंडल करेगा हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन पहले से डिफाइंड और क्लियर होनी चाहिए इसके मतलब कुछ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स हैं जिनका जानना बहुत लाजम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड आर रिटन फॉर ऑफ प्रमोटिंग सेफ हेल्दी एक्सीडेंट फ्री एंड हैंड्स एमरजेंसी फ्री वर्क प्लेस इसकी मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स हैं ये स्टूडेंट्स वो दर्ज झाइल हैं ये हैं इसमें एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं एमरजेंसी एक्शन प्लान ट्वेंटी नाइन सी एफ आर वन नाइन वन जीरो पॉइंट थ्री एट ये वो स्पेसिफिक कोड है जिसके तहत एमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है अब जितने भी नीचे अगर देखा जाए एग्जिट कैपेसिटी एग्जिट कंपोनेंट एग्जिट वर्किंग एग्जिट डेप्थ एग्जिट एग्जिट एक्सेस इन सब चीज़ों का ताल्लक एक पॉइंट के साथ है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इन सिचुएशन के पैदा होने से आप आसानी से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं फर्स्ट एड इन एमरजेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमें मालूम है कि एक्सपर्ट नहीं होती कि वो सिचुएशन को खुद मैनेज कर सकें उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट हैं उनको बुलाना होता है लेकिन फिर भी इनकेस ऑफ एनी एमरजेंसी फर्स्ट एड वहाँ पर होनी चाहिए ताकि उस सिचुएशन को एमिकेबली टैकल किया जा सके लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स दैट मे बी कवर्ड इन अ फर्स्ट एड क्लास फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेसिक फर्स्ट एड अब इसमें जो बेसिक किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है छोटी सी मैं एग्जांपल दे के आगे मूव कर दूंगा अगर किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग वर्किंग आवर कट लग जाता है तो वहां पे बैंडेज टेप फर्स्ट एड पेन किलर या इंजेक्शन ये चीज़ें बेसिक होनी चाहिए और वहां पे कोई डॉक्टर भी अवेलेबल हो प्रोफेशनली वो एक्सपर्ट हो जो फर्स्ट एड दे के एम्प्लॉ को बैंडेज वगैरह करके प्रोफेशनल लोगों की तरफ भेज सके हाउ टू प्लान फॉर हैव वेल स्टॉक्ट फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल इन दी हैव अप्रोप्रिएट परसोनल प्रोटेक्टिव डिवाइस अवेलेबल ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पहले हिस्से में ये कहा गया है कि फर्स्ट एड किट आपके पास है प्रोफेशनली बंदा ट्रेन अवेलेबल है अगर ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने एमरजेंसी प्लान को प्रिपेयर किया हुआ है हाउ टू प्लान फॉर एमरजेंसीज पोस्ट एमरजेंसी टेलीफोन नंबर फॉर एग्जाम्पल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे इज ए नाइन वन वन नंबर एमरजेंसी नंबर फॉर एम्बुलेंस हॉस्पिटल पोलिस फायर And appropriate internal personnel. Keep all employees informed about basic first aid and also basic numbers. With the help, you can contact those agencies, and those agencies will come at the spot and they can help and they can manage and organize the overall activity of the organization.